टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। लखनऊ में जीका वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में जीका ने बरपाया कहर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में मिले दो नए मरीज, मरीजों को घर पर किया गया आइसोलेट। राजधानी में कुल 5 मरीजों की हुई पुष्टि। लखनऊ में जीका ने बरपाया कहर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो राजधानी में मिले दो नए मरीज, मरीजों को घर पर किया गया आइसोलेट। राजधानी में कुल 5 मरीजों की हुई पुष्टि। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से राजधानी में नए नए केस मिल रहे जीका वायरस के, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जीका वायरस जो है वो धीरे धीरे राजधानी लखनऊ में पसार रहा है। इसके पहले 100 का आंकड़ा जो है वो कानपुर में पार किया था जीका वायरस ने। पर अब राजधानी लखनऊ में भी जो इसके मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर 5 अब तक टोटल मरीज जो है वो निकल चुके हैं। और राजधानी में अब 2 मरीज जो है वो कल मिले हैं, एक आलम बाग में मिला है और दूसरा जो है वो LDA कॉलोनी में मिला हुआ है। अब जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो जितने लोग उनके संपर्क में अब तक आए हैं, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, उनका भी सैंपलिंग किया जा रहा है। और उसके बाद जो वहां पर जिस तरह से एहतियात बरतना है वो जिला प्रशासन की तरफ से और मेडिकल की टीम की तरफ से बरता जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से जीका वायरस अपने पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं राजधानी के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए समस्या है इसमें। नितिन, कहाँ कहाँ अभी तक जीका वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, कानपुर और लखनऊ के अलावा? देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश की अगर हम बताएं तो कानपुर और लखनऊ में ये मामले निकल कर सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और ऐसे जो जिले हैं वो निकल के आए हैं। जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं वहां पर भी कुछ चुनिंदा केसेस जो है वो निकल कर सामने आए हैं, नोडियागढ़, नोएडा, गाजियाबाद में। तो इस तरह से धीरे धीरे जो केसेस की संख्या है वो निकल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मामले अगर हम बताएं तो कानपुर में ही निकले हैं और एकाएक 100 का आंकड़ा जो है वो जीका वायरस का कानपुर में पार हुआ है। तो ये कानपुर के लिए भी समस्या है और अब राजधानी लखनऊ में भी धीरे धीरे जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। तो नितिन, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक कानपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो क्या इसकी शुरुआत कानपुर से ही हुई है? देखिए, अभी राजधानी लखनऊ में जो मामले आए हैं बताया यही जा रहा है कानपुर से ही ये मामले जो है, क्योंकि कानपुर से मुलाकात के बाद कुछ लोग अगर राजधानी लखनऊ आए होंगे, क्योंकि कानपुर और लखनऊ का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर नहीं है और अप डाउन आसानी से व्यक्ति कर सकता है। तो इस बीच उनकी जो टेस्टिंग ट्रेसिंग है ये भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आया गया है तो शायद उसके थ्रू ही ये वायरस जो है वो राजधानी लखनऊ में आया होगा और उसी वजह से ये जो समस्याएं हैं ये बढ़ी। नितिन, क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? ये किस तरह से जीका वायरस संक्रमण एक व्यक्ति को शिकार बनाता है? देखिए, कोविड का कोई भी वायरस ऐसा नहीं है शिकार जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलता हो। कोविड का हर वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता हुआ आया है और वो फैल रहा है। और जीका वायरस भी कुछ इसी तरीके का है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और दूसरी चीज, इसके जो सिम्टम्स हैं अगर वो बताया जाए तो डिहाइड्रेशन से मिलते जुलते सिम्टम्स है। पैरों की नसों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, पेट खराब होना, ये सारे जो इसके सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा फीवर होना, ये सारे इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस फैलता है, जैसे कि कोविड के पुराने जो वायरसेस थे वो फैलते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़े हुए थे। नितिन, अगली खबर पे भी बने रहिए और हमें जानकारी देते रहिए। तो राजधानी लखनऊ में 5 मरीजों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम धामी, परिसंपत्तियों की बैठक में होंगे शामिल, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात, उत्तराखंड महोत्सव के समापन में पहुंचेंगे धामी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम धामी, परिसंपत्तियों की बैठक में होंगे शामिल, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात, उत्तराखंड महोत्सव के समापन में पहुंचेंगे धामी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे सीएम धामी। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन बने हुए हैं। नितिन, संवाददाता, जिस तरह से आज धामी उत्तर प्रदेश के लखनऊ आ रहे हैं और खास तैयारियां भी की गई हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रमों में आज शामिल हो सकते हैं सीएम धामी?
तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे सीएम धामिया और आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। उत्तराखंड महोत्सव के समापन में भी पहुंचेंगे सीएम धामिया। तो पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, सीएम योगी से मुलाकात करेंगे, साथ ही परिसंपत्तियों की बैठक में भी शामिल होंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड महोत्सव के समापन में भी पहुंचेंगे धामी, जहां उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है और इसका समापन है 18 तारीख को समापन होना है, तो उसी में आज शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। परिसंपत्तियों की बैठक में भी शामिल होंगे। आगामी समय में यानी 2022 में जो चुनाव होना है विधानसभा चुनाव, उसमें काफी कम वक्त बचा है, उसको लेकर अगर पुष्कर सिंह धामी ने ये जो दौरा किया ये भी काफी खास है, क्योंकि कई बड़े बड़े हस्तियों को उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, उतारा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से आज धामी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद रहेंगे, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री अभी हाल में बने हैं पुष्कर धामी और लंबा कार्यकाल नहीं है, और इसके साथ साथ चुनाव भी है। जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव है उसको देखते ही, क्योंकि यूपी में भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते भी हैं और उनका परिवार भी है, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से ही कुछ भाग अलग करके ही बनाया गया था, तो निश्चित तौर पर ये बात मानी जा सकती है कि यूपी में भी तमाम चीजों को देखते हुए और संगठन तो भाजपा में भी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, तो उसको देखे तो तमाम चीजें ऐसी होती है, बड़ी चर्चाएं ऐसी होती है, कई ऐसे मुद्दे ऐसे होते हैं जो सम्मिलित होते हैं कि बगल का राज्य है, और कई ऐसी योजनाएं भी होती है जो कि राज्य, दोनों राज्यों से मिलकर जुड़ी होती है, तो माना जा सकता है उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो सकती है। इसको लेके आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है, इसके बाद वो लगभग मेरा मानना है कि अभी जो उत्तराखंड यूपी की जो परिसंपत्तियां हैं उसकी बैठक में वो शामिल हो रहे हैं, बैठ चुके हैं और बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जो दोनों राज्यों के जो लंबित मामले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी, और माना जा सकता है कि उसके बाद लगभग 12 बजे के लगभग मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय है, वहां भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम है, और वहां पहुंचकर वहां पर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत जो अगर माना जाए तो सबसे युवा विंग कहलाती है भारतीय जनता पार्टी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद जो उत्तराखंड पर्वती महा जो उत्सव चल रहा है उसके कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे, और फिर मेरे ख्याल से लगभग कल 11:30 बजे वो उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ गए। लखनऊ में लगाई जाएगी पेंशन अदालत, पूर्वोत्तर रेलवे लाएगी अदालत। 15 दिसंबर को लगाई जाएगी अदालत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 20 नवंबर तक जमा किए जाएंगे आवेदन। लखनऊ मंडल प्रशासन आयोजित कर रहा अदालत, लखनऊ में लगाई जाएगी पेंशन अदालत, पूर्वोत्तर रेलवे लगाएगी अदालत, 15 दिसंबर को लगाई जाएगी अदालत, 20 नवंबर तक जमा किए जाएंगे आवेदन। लखनऊ मंडल प्रशासन आयोजित कर रहा अदालत, लखनऊ में लगाई जाएगी पेंशन अदालत, उत्तर रेलवे लगाएगी अदालत, 15 दिसंबर को लगाई जाएगी अदालत। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 20 नवंबर तक जमा किए जाएंगे आवेदन। लखनऊ में सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ी, आशियाना थाने में दर्ज हुई थी शिकायत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डांस शो में नहीं पहुंची सपना चौधरी, दरोगा ने दर्ज कराई थी शिकायत, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 अक्टूबर 2018 को होना था कार्यक्रम, 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ में कसा सपना चौधरी पर शिकंजा, सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, आशियाना थाने में दर्ज हुई थी शिकायत।
लखनऊ में दिखी परिवहन निगम की लापरवाही, बड़ी खबर सामने आ रही है, रोडवेज बसों का हाल बेहाल। बसों में रबड़ की परत चढ़े टायर दिखे, टायर फटने से हो सकता है हादसा। रोडवेज यूनियन ने प्रबंधन निर्देशक से की शिकायत। लखनऊ में दिखी परिवहन निगम की बड़ी लापरवाही, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रोडवेज बसों का हाल बेहाल। बसों में रबर की परत चढ़े टायर दिखे, टायर फटने से हो सकता है हादसा। रोडवेज यूनियन ने प्रबंधन निर्देशक से की शिकायत। लखनऊ में दिखी परिवहन निगम की लापरवाही, बड़ी खबर सामने आ रही है, रोडवेज बसों का हाल बेहाल। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का स्वागत, अंबेडकर नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश का हुआ स्वागत। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का स्वागत, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश का हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का स्वागत किया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश का हुआ भव्य स्वागत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो चार दिन तक बदलेगी शहर की यातायात व्यवस्था, डीजीपी कॉन्फ्रेंस के कारण बदलेगी व्यवस्था। 18 से 21 नवंबर तक होगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कार्यक्रम में पीएम मोदी अमित शाह होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चार दिन तक बदलेगी शहर की यातायात व्यवस्था, डीजीपी कॉन्फ्रेंस के कारण बदलेगी व्यवस्था। 18 से 21 नवंबर तक होगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कार्यक्रम में पीएम मोदी अमित शाह होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चार दिन तक बदलेगी शहर की यातायात व्यवस्था, डीजीपी कॉन्फ्रेंस के कारण बदलेगी व्यवस्था। तो बड़ा फैसला लिया है, 18 से 21 नवंबर तक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, कार्यक्रम में पीएम मोदी अमित शाह भी शामिल होंगे, जिसकी वजह से यातायात में परिवर्तन करना पड़ेगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर में शुरू हुआ सियासी घमासान, बड़ी खबर सामने आ रही है, जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। जनसभा स्थल पर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़, सुल्तानपुर में शुरू हुआ सियासी घमासान, जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। जनसभा स्थल पर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़, सुल्तानपुर में शुरू हुआ सियासी घमासान, जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। जनसभा स्थल पर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़, बड़ी खबर सामने आ रही है सुल्तानपुर से, जब सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जनसभा को अखिलेश संबोधित करते हुए नजर आएंगे, साथ ही जनसभा स्थल पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। महोबा दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 6250 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। शाम को लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर, 20-21 को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे मोदी। 21 नवंबर को लखनऊ से बांदा जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महोबा दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो यूपी सरकार ने जारी किया आदेश, वापस लिया स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, जो उपाय बाकी राज्य करेंगे हम भी वही करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश, वापस लिया स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, जो उपाय बाकी राज्य करेंगे हम भी वही करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बड़ा फैसला लिया गया है, यूपी सरकार ने नया आदेश जारी किया गया है, और यूपी सरकार ने वापस ले लिया स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला।
यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जवाब भी दिया है और जवाब में कहा है कि जो उपाय बाकी राज्य करेंगे हम भी वही करेंगे। ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने, फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, सफाई कर्मी के साथ की मारपीट। बड़ी खबर सामने आ रही है, जान से मारने की दी धमकी, फरुखाबाद से बड़ी खबर, सफाई कर्मी ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। प्रधान पर पैसा मांगने का लगाया आरोप, फरुखाबाद से बड़ी खबर। कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव सिठुरपुर का मामला, ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने, सफाई कर्मी के साथ की मारपीट। फरुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जान से मारने की भी दी धमकी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 और 23 नवंबर को यूपी आएंगे जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे नड्डा। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां 22 को गोरखपुर और 23 को कानपुर जाएंगे नड्डा, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, बूथ अध्यक्षों को बताएंगे जीत का मंत्र। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 22 और 23 नवंबर को यूपी आएंगे जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 22 को गोरखपुर और 23 को कानपुर जाएंगे नड्डा, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे नड्डा, बूथ अध्यक्षों को बताएंगे जीत का मंत्र। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, केजीएमयू परिसर में चली गोली, परशुराम स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष पर चली गोली, अज्ञात हमलावरों पर गोली चलाने का आरोप, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। बड़ी खबर सामने आ रही है, चौक थाना के केजीएमयू परिसर का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, केजीएमयू परिसर में चली गोली, परशुराम स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष पर चली गोली। लखनऊ में बनेगा प्रधानमंत्री आवास, हनुमान सेतु के पास खाली कराई गई जमीन, एलडीए बनवाएगा प्रधानमंत्री आवास, जमीन पर 120 आवास का होगा निर्माण, शासन से अनुमति के बाद शुरू होगा निर्माण। लखनऊ में बनेगा प्रधानमंत्री आवास, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हनुमान सेतु के पास खाली कराई गई जमीन, एलडीए बनवाएगा प्रधानमंत्री आवास, जमीन पर 120 आवास का होगा निर्माण, शासन से अनुमति के बाद शुरू होगा निर्माण। लखनऊ में बनेगा प्रधानमंत्री आवास, हनुमान सेतु के पास खाली कराई जमीन, एलडीए बनवाएगा प्रधानमंत्री आवास। तो बड़ी योजना लेकर आए गए हैं सरकार द्वारा, जो जमीन पर 120 आवास का होगा निर्माण। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।